हेलो फ्रेंड्स, ये देखो ये STK L21 है, ठीक है। और इसका FRP लगा हुआ है, इसका बाईपास करना है विदाउट फ्लशिंग, विदाउट अभी आपको रिबूट करना था, यानी ऑफ करना था, ठीक है। ओके, सब कुछ आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और आपको किस तरीके से करना था, वॉल्यूम अप और पावर बटन प्रेस करना है, ठीक है। ये दोनों मैंने दबा दिया, देखो इस तरीके से, ठीक है। छोड़ना नहीं पावर बटन, ठीक है, ऑन होने लगा है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। अभी पावर बटन छोड़ो, अप बटन प्रेस करो, ठीक है। इसका बाईपास करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, देखो थोड़ा सा वेट करो इसको, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है, और सबसे पहले आपको क्या करना था, क्लियर डेटा, क्लियर डेटा एनी फैक्ट्री रिसेट, एनी फैक्ट्री रिसेट, यस लिखो, यस YES ऊपर देखो, यस मैंने लिख दिया फैक्ट्री रिसेट करो, ठीक है। और अपडेट पे क्लिक करो, ठीक है। और ऊपर रिकवरी पे क्लिक करो पावर बटन, ठीक है। और इसके बाद इमरजेंसी पे क्लिक करो पावर बटन, पावर बटन दोबारा प्रेस करो। अभी ऑन होने लगा है, एक ट्रिक और भी है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी ये ऑन होने लगा है, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट करो इसको, इंशाल्लाह वो ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा, ठीक है। मैं तो अभी वीडियो स्टॉप कर सकता हूँ, ऑन होने लगा है। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, ये सिम आप देख सकते हो, सिम लगाना ज़रूरी है और आप बैकअप पे क्लिक करना है, ठीक है। बैकअप करने के बाद आपको ये हेयर हेयर आपको नज़र आ रहा है छोटा सा, इस पर क्लिक करना है, कैंसिल पर नहीं, हेयर पर, ठीक है। क्लिक किया, देखो चला गया। और इसके बाद क्या करना है, ठीक है, ये सेटिंग करना है आपको, क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्लिक करना है और ऊपर क्या सर्च करना है, VNRROM, ठीक है, और टेक करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, दिखा दूंगा, ठीक है। अभी सर्च हो रहा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दूंगा। और ये इस ये वेबसाइट vmroon.net बाईपास और देख सकते हो, सिम डेटा होना ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नहीं है ये सिम आपके पास नहीं है डेटा वाला, तो ये नहीं बाईपास होगा, ठीक है। सेम डेटा होना ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। अब ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करूँगा मैं, ये आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अभी क्या करना है, ये सेटिंग नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक, डारे ओपन हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। बायोमेट्रिक पे आ जाएगा, फिर आपको मैं स्टेप बाई स्टेप आपको दिखा दूँगा, ठीक है, एक मिनट में काम कर सकता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, सही तरीके से आपको दिखाने जा रहे हो, नीचे आ जाएगा ये की देख सकते हो, बायोमेट्रिक एंड पासवर्ड, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको क्या है, लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड, लॉक स्क्रीन पासवर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर चेंज टाइप पे क्लिक करना है, चेंज टाइप यानी 4 डिजिट पे क्लिक करना है, क्या 4 डिजिट पे मैंने क्लिक किया और अभी मैं 1 2 3 4 1 2 3 4 कोई भी पासवर्ड दे गया, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, ऐड कर लिया मैंने। और फिंगरप्रिंट में नहीं ऐड कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। और अभी क्या करना है, ठीक है, अभी बैक होना पड़ेगा, ठीक है। चेंज लॉक स्क्रीन 1 2 3 4 नहीं चल, ठीक है बस यार, अभी रिबूट करना है, ठीक है। बस मैंने एक कोड दिया था, दोबारा आपको दिखाने के लिए दोबारा करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने चेंज कर, अच्छा ये देखो फ्रेंड, मैं दोबारा चेंज कर सकता हूँ, कुछ सही समझ आ गया था, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
चलो एक मिनट चेंज कर सकता हूँ, 1 2 3 4 ठीक है, अभी मैं चेंज कर सकता हूँ 4 डिजिट पे। एक दूसरा कोड दूंगा 1 2 3 4 आपके लिए, 1 2 3 4। दोबारा मैंने कोड लगा दिया था, आपको फिंगरप्रिंट लगाने लगाना तो नहीं लगाना है, ठीक है, कैंसिल करो, ठीक है, मैंने कैंसिल कर लिया। अभी रिबूट करना है, ठीक है, आपको नज़र आ गया था फ्रेंड्स, रिबूट करने के लिए मैं आपको यह रिस्टार्ट करो, ठीक है फ्रेंड्स, ये 100% ईजी मेथड है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स ऑन हो गया, इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको और भी दिखा दूंगा। ऑन होगा इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, ये 10 या 15 मिनट इसको वेट करना पड़ेगा, इंशाल्लाह ऑन होगा सब कुछ बता दूंगा। अच्छा फ्रेंड्स ये लग गया था, ठीक है, अभी क्या करना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके वाईफाई कनेक्ट करना था एक बार, ठीक है, वाईफाई कनेक्ट करने के बाद मैंने दूसरा पहला 11 कोड दिया था, फिर इसके बाद मैंने चेंज किया था 22 किया था, आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी इसको वाईफाई लगाना था, यार मेरा वाईफाई ऑफ है, क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं, चलो डेटा भी है, एक मिनट में ये ऑफ कर सकता हूँ, क्या क्यों नहीं काम कर सकता वो, चलो काम स्टार्ट किया था यार, इसकी टच मेरा ख्याल से बेक कर दूंगा दोबारा, नहीं वाईफाई की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसी वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा है, चलो देखता हूँ, एक मिनट आ गया था, एक मिनट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, अभी मैंने कनेक्ट किया था, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, कनेक्ट होगा मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा ये देखो कनेक्ट हो गया, आज के बाद नेक्स्ट करना है, देखो फ्रेंड्स 100% ये मेथड काम कर सकते हैं, चेकिंग फॉर अपडेट्स, अच्छा फ्रेंड्स आपने देख लिया था, अभी पासवर्ड में 1 2 3 4 और नेक्स्ट करना है, ठीक है, देखो आपने देख लिया था ये को इसने लिया था, ठीक है, स्किप करना है, ये 100% काम कर सकते हैं, वो ये इजी मेथड है, ठीक है, नेक्स्ट करना है, ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, बैकअप का, बैकअप पे जाने के बाद यार मैंने यहाँ पे क्या चीज़, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, लॉग इन फॉरगेट यार, लेटर करो, ठीक है, लेटर पे क्लिक करो और स्किप करो, ठीक है, और नथिंग करो, लेटर करो, अपडेटेड मैनुअली इनेबल करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, और नेक्स्ट करो, कोई इशू नहीं है, ये देखो फ्रेंड 100% कंप्लीट हो गया था। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, मैंने किस तरीके से किया था ये मैं आपको बता दिखा दूंगा, ये देखो ये इसकी फुल डिटेल मैं आपको दिखा दूंगा, ये देखो आप देख सकते हो, और इस तरीके से आप कर सकते हो, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, 100% लेटेस्ट सिक्योरिटी मैंने किया था, और सब दिखाने के लिए मैंने आपको सब कुछ किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।